Hello aspirants i hope all of you are fine and doing well as we know that jkssb has announced the tentative dates for various examinations including jkssb je civil so in this particular video i will discuss with you the various plans and strategies which are required which you may follow for this examination जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास एग्ज़ाम है वो फिफ्थ दिसंबर टू ज़ीरो टू टू को जो है टेंटेटिवली शेड्यूल uh, किया गया है तो अकॉर्डिंगली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमारा क्या प्लान रहना चाहिए हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और हम हम कैसे शेड्यूल जो है वो बना सकते हैं सो so दैट कि जो हमारे पास लिमिटेड टाइम है उसमें हम मैक्सिमम कवरेज कर सकें इसकी इस वीडियो के लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें इस टाइम पर अवॉइड करना चाहिए तो ये जो प्लान्स स्ट्रैटीज़ हैं ये आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा हिंट जो है इस वीडियो में दिया है सो so दैट हम अपने जो आपका जो टाइम है थर्टी डेज़ का हम टाइम लेके चल रहे हैं उसमें आप जो है अपना प्रॉपर जो है स्ट्रैटी बना सकें और अपना जो आपका जो शेड्यूल है उसको सेट कर सकें तो आई एम टेकिंग द थर्टी डेज़ एज द टाइम रेफरेंस कि हमारे पास थर्टी डेज अवेलेबल हैं जिसको मैंने डिवाइड किया है स्टडी डेज़ में और रिवीजन डेज़ में देखिए हमारे पास जो है रिवीजन जो है दैट दैट मेक्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वेन एवर वी प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो हम जो भी स्टडी कर रहे हैं या कर रहे थे आज तक और अब उसको आगे हमें एक्स्ट्रा डेज भी रखने हैं स्पेयर रखने हैं जिसमें हम उसको रिवाइज कर सकें सो so, अगर हम मान के चलें कि थर्टी डेज हमारे पास हैं तो हम ट्वेंटी वन डेज जो हैं वो यूटिलाइज करेंगे स्टडी ऑफ टॉपिक्स या हमारा जो सिलेबस है उसमें और जो हमने कर लिया होगा इन दिनों में या जो पहले किया है उसके बाद हम उसका देखेंगे रिविजन से एक बनाएंगे जो कि हम लास्ट के नाइन डेज या टेन डेज रख सकते हैं तो आप में से जो लोग इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे वो अकॉर्डिंगली अपने डेज को डिवाइड कर सकते हैं जो है हम आ, त, 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 75 आप दीजिए कि स्टडी डेज को दीजिए कि जो भी उसके बाद टाइम बचता है उसमें हम रिविजन करेंगे ओके सो योर प्लान मस्ट बी सच दैट कि हमारे पास स्टडी के लिए भी टाइम रहे और हमारे पास रिवीजन के लिए भी टाइम रहे नाउ हम नेक्स्ट आता है स्ट्रेटजी अब स्ट्रेटजी हम कैसे फॉलो कर सकते हैं हमारे पास सिलेबस मेंशन है सिलेबस हमें दिया है मेनली उसमें टेन कंपोनेंट्स हमें दिए हैं तो सबसे पहले हम उसमें देखेंगे डिवीजन ऑफ कंपोनेंट्स करेंगे डिवीजन ऑफ कंपोनेंट्स इस बेसिस पे नहीं किया गया है कि डिफिकल्ट है या ईजी है लेंथी जो सब्जेक्ट है उसको हमने हैवी कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है हैवी कंपोनेंट उसको लिया है और एक लाइटर कंपोनेंट लिए हैं लाइटर कंपोनेंट वो हैं कि जिनका सिलेबस कम है या जिसमें इतने ज़्यादा एफर्ट्स की जरूरत नहीं है टॉपिक्स इतने ज़्यादा नहीं हैं हमने सिर्फ उनको कवर करना है तो उस बेसिस पे हमने एक लिया है कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स एंड लाइट तो हमारी जो स्ट्रेटेजी का फर्स्ट पॉइंट यही है कि हमें अपने हिसाब से आप अकॉर्डिंगली जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन हैवी कंपोनेंट्स एंड लाइट कंपोनेंट्स नेक्स्ट इज जैसे हैवी कंपोनेंट्स में हमने लिया स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल्स क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है पंद्रह से बीस चैप्टर हैं मकैनिक्स का कुछ पार्ट है कुछ पार्ट जो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस का है और स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल खुद में भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सॉयल मैनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग इसमें भी फिफ्टीन टू ट्वेंटी टॉपिक्स जो है जो हमें कवर करने पड़ते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए उसके बाद फ्लूड मकैनिक्स है भी एक सब्जेक्ट है सर्वेइंग हालांकि इतना लेंथी नहीं है लेकिन टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं उस हिसाब से हमने इसको थोड़ा हैवी में लिया है एंड आर एंड सी जो है आ, इसमें बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है एज कम्पेयर टू सोम सॉयल एफ एम बट फिर भी आर सी इज़ वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट्स इसके साथ जो हमने पार्लर में लाइट कंपोनेंट्स रखे हैं वो रखा है जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल्स के साथ हाईवे इंजीनियरिंग सॉयल मकैनिक्स के साथ रेलवे इंजीनियरिंग फ्लूड मकैनिक्स के साथ इरीगेशन इंजीनियरिंग सर्वेइंग के साथ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और आर सी 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 पी एम के साथ आर सी 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 टी के साथ हमने रखा है सी पी एम तो ये हो गया कम्बिनेशन ऑफ हैवी सब्जेक्ट्स एंड लाइट सब्जेक्ट्स नाउ द थिंग इज कि हैवी सब्जेक्ट और लाइट सब्जेक्ट को हम लेके चलेंगे कैसे जैसे हम सबसे पहले कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेज में हमने ये रखा है कि अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को अभी ये हमारा सिर्फ स्टडी प्लान हो रहा है दिस इज द स्टडी प्लान अगर हम जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को लेके चलते हैं फॉर फाइव डेज और सॉयल मकैनिक्स फ़ाइव डेज़ फ्लूड मकैनिक्स फाइव डेज सर्वेइंग थ्री डेज़र सी 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 ट्री डेज़ तो स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल सॉयल मकैनिक्स फ्लूड मकै फ्लूड मकैनिक्स सर्वाइंग आर सी 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 टी तो हमारे पास यहाँ पर जैसे हमने डिवाइड किया था इसको ट्वेंटी वन प्लस नाइन में तो ये हमारे पास ट्वेंटी वन डेज़ रहेंगे जिसमें हमें ये स्टडी करना है लेकिन ट्वेंटी वन डेज़ में हमने सिर्फ यही नहीं पढ़ना है इसके साथ साथ हमें एक जो है लाइटर कंपोनेंट भी उठाना है हाईवे रेलवे इरीगेशन एनवायरमेंट कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट और उसमें जो है हमारे पास इसको भी हमने डिवाइड किया फाइव डेज़ में रेलवे इंजीनियरिंग थ्री डेज़ इरीगेशन इंजीनियरिंग फोर डेज़ एन्वायॉर्मेंटल इंजीनियरिंग फाइव डेज एंड कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट फोर डेज़ तो ये भी अगर हम नियरली देखेंगे हमारे पास ट्वेंटी वन डेज़ का जो है शेड्यूल बनता है तो ट्वेंटी वन डेज़ ये ट्वेंटी वन डेज़ ये जो है ये अलग अलग ट्वेंटी वन डेज़ नहीं है ये एक ही ट्वेंटी वन डेज़ हैं जिसमें हमने डेज़ के हिसाब से हैवी और लाइट कंपोनेंट दोनों उठाने हैं और उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ डे सेड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन ये जो हमारा पहला था दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ डेज़ ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ डेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ डेज़ में हमारे पास हमने देखा कि कैसे हमारे, हमने डेज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया है और उसके बाद हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डे सेल अब एक दिन को हम कैसे जो है डिवाइड करेंगे उसमें हम देखेंगे मॉर्निंग में फोर आवर्स इवनिंग में थ्री आवर्स और आफ्टरनून में टू आवर्स तो ये जो हमारे पास मॉर्निंग में फोर आवर्स है इसमें हम हैवी कंपोनेंट के लिए जा सकते हैं जो हमारा सोम है जो हमारा एफ एम है जो हमारा जो है सॉइल है उसके बाद हमारे पास इसमें हमने जैसे आर सी सी एंड सी टी लिया है वो है और हैवी कंपोनेंट में हमने सर्वेइंग भी लिया है तो इसके साथ हम हम पर कंपोनेंट जो है इनमें से एक कंपोनेंट हैवी में ले सकते हैं जिसको हम मॉर्निंग का टाइम दे सकते हैं फोर आवर्स और इवनिंग में हम लाइटर कंपोनेंट उठा सकते हैं जो अगेन हमारे पास पाँच हैं और इसके बीच में जो हमारे पास आफ्टरनून का टाइम है उसमें हम जा सकते हैं रिविजन के लिए जो भी हम एक दिन में पढ़ रहे हैं अगले अगले दिन उसकी जो है रिवीजन उस टॉपिक की होनी चाहिए तो इसीलिए हमने सबसे पहले मैं अगर आपको दोबारा बताऊँ हमने सबसे पहले जो है कंपोनेंट्स को डिवाइड किया है, हैवी और लाइटर में और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ डेज़ किया है और उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ डेज शेड्यूल किया है कि हम मॉर्निंग इवनिंग और आफ्टरनून के टाइम को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं तो ये हमारे पास जो है थर्टी डेज़ का पूरा प्लान है जो स्ट्रैटी है कि कैसे डिवाइड्स कंपोनेंट्स uh, को हम डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद हम उसको कॉन्टिन्यू अपनी स्टडी रख सकते हैं उसके बाद अब हमारे पास हैं कि क्या चीज़ें ये अभी मैंने आपको 21 डेज़ का जो है पूरा शेड्यूल दिया है इसके बाद जो 21 डेज़ के बाद मैं आपको नाइन डेज़ का रिविज़न शेड्यूल जो है वो बताऊँगा कि हम कैसे रिविज़न को टेकअप कर सकते हैं ठीक है हालांकि यहाँ पर भी रिविज़न को खास ध्यान रखा गया है जो आफ्टरनून का टाइम है वो फुल्ली रिविज़न के लिए डेडिकेट किया गया है नेक्स्ट इज़ सबसे इंपॉर्टेंट है नॉट टू डू अब हमारे पास जैसे सपोज थर्टी डेज़ का टाइम है इसमें हमें कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए नंबर वन इज़ यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स हालांकि ये वीडियो भी हम मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही देखेंगे लेकिन मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना जो मना किया गया है वो मेनली किया गया है कि जैसे हम फेसबुक या कुछ अपना देखते हैं कुछ भी सोशल मीडिया साइट जो हमारी ज़्यादा टाइम टेकिंग है जिससे हमें हमारे एग्ज़ाम के रेलिवेंट नहीं है तो उस चीज़ को अवॉइड करना यहाँ कहा गया है र्यूमर्स क्योंकि एग्ज़ाम से पहले बहुत सारी र्यूमर्स होती हैं पेपर कैंसिल होगा पेपर नहीं होगा या पेपर मुश्किल होगा पेपर इजी तो मतलब वो उन रूमर से बचना ठीक है सोशल गैदरिंग्स मीटिंग्स मींस कि अब हमारे पास टाइम नहीं है ओनली वी हैव वन मंथ टाइम जिसमें हमारा सेड्यूल ऑलरेडी मॉर्निंग इवनिंग और आफ्टरनून का फिक्स है तो वी डोंट हैव टाइम टू गो एनी कवरेज ऑफ न्यू टॉपिक्स को अवॉइड करना चाहिए हालांकि आप ट्वेंटी डेज़ का जो स्टडी डे है तो उसमें अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो कर सकते हैं लेकिन जो आगे नाइन डेज का आपका रिविजन uh, सेड्यूल बनाया गया है उसमें नहीं करना चाहिए अवॉइडेंस ऑफ रिविजन पोर्शन को आप रिविजन पोर्शन को अगर अवॉइड करेंगे वो गलत है इस पॉइंट का ये मतलब है कि अगर आप जो है आपने मॉर्निंग का शेड्यूल बनाया आपने इवनिंग का शेड्यूल बनाया और जो आफ्टरनून है उसमें भी आपने कोई दूसरा कंपोनेंट रख लिया लेकिन रिवीजन को जो है रिवीजन पोर्शन को अगर आप अवॉइड करें वो गलत है और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ही स्ट्रेस देखिए अगर हम स्ट्रेस में ही रहेंगे तो हम ये थर्टी डेज अपने बिल्कुल जो है खराब कर देंगे और उसकी वजह से जो हमने पढ़ा है और जो हम पढ़ सकते हैं और या जो हम रिवाइज कर सकते हैं वो भी हमारा खराब होगा इसलिए अच्छा ये है कि अगर हम पूरा टाइम अपनी स्टडीज में यूटिलाइज करें तो मुझे लगता है स्ट्रेस के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं रहे

ओके okay, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द नेक्स्ट वीडियो जो कि मैं ट्वेंटी वन डेज़ के बाद आपको दूंगा जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे हाउ टू रिवाइज कैसे हमें रिवाइज करना है जो हमारे पास लास्ट के नाइन टू टेन डेज रह जाएंगे उसमें हमें कैसे रिवाइज़ करना है और उसके बाद बिफोर टू डेज बिफोर द एग्जामिनेशन आई विल गिव यू द वीडियो फॉर द टिप्स दैट हाउ दैट हाउ टू द क्वेश्चन अ सी बी टी पेपर ओके थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक